जी नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। अपडेट जो कि 4 जुलाई को आया था, पर मैं बताऊंगा कि क्या ये नोटिस सही है या फिर गलत है, तो और किस पॉइंट पर एकेटीयू गलत बोल रहा है और किस पॉइंट पर क्या है जिसके लिए ये नोटिस निकाला है वो गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। एकेटी यूनिवर्सिटी का एक और लेटेस्ट अपडेट जो कि 4 जुलाई को आया था, और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जब मैं आपको ये नोटिस के बारे में बताऊंगा कि क्या ये नोटिस सही है या फिर गलत है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखेंगे कि एकेटी ने ये नोटिस किस वजह से निकाला है और किस पॉइंट पर एकेटी गलत बोल रहा है और किस पॉइंट पर क्या है जिसके लिए ये नोटिस निकाला है वो गलत है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार के प्रश्न करता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस बी फार्मा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्रैश कोर्स बीएससी फार्मेसी ऐप पर लॉन्च हो गया है, और साथ ही में क्या है, जो बैक वाले स्टूडेंट है जिनकी बैक लगी है, तो बैक स्पेशल कोर्स मात्र 149 रुपए में आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। अब देखिए, अगर जो मैं आप लोगों से बोलूं और यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे तो ये सिंपल सा एक नोटिस है। इस नोटिस में एकेटी यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है, सबसे पहले देखिए नोटिस किस डेट का है, 4 जुलाई 2024 का ही ये नोटिस है। अब इस नोटिस में एकेटी यूनिवर्सिटी ने साफ साफ क्या बोला है कि अभी सभी कॉलेजेस में क्या है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को क्या है, कॉलेजेस अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि भाई हमारे पिछले बच्चों का रिजल्ट ऐसा है, ये आया, वो आया है। तो इसी के संदर्भ में ये नोटिस है कि एकेटी यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि किसी भी विद्यार्थी को जो एडमिशन लेने वाला है उसको गुमराह ना किया जाए, है ना, अपनी रैंकिंग बढ़वा करके। रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज की वेबसाइट अपनी सर्च करते हो गूगल पर या फिर किसी की वेबसाइट सर्च करते हो, तो क्या है, रैंकिंग वहां पर स्टार शो करता है, 5 स्टार में से 3 स्टार। जैसे प्ले स्टोर पर आप रेटिंग करते हो, बीएसवी फार्मेसी की 4.3, 4.4, है ना, 4.4 स्टार रेटिंग है। इस तरीके से क्या है, आप लोगों की रेटिंग होती है पर्टिकुलर कॉलेजेस की भी। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट अगर जो सर्च करेंगे गूगल पर तो अब पता लग जाएगा आपको। तो यहीं पर इसी से रिलेटेड ये नोटिस है। देखिए साफ साफ तौर पर एकेडमी ने क्या बोला है, ऐसे संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान में से, है ना, हमारे संस्थान द्वारा 17-23-24 के छात्रों का प्रवेश लेने हेतु अपने संस्थान की रैंकिंग। अब साफ एकेटी यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है जी कि 2023-24 के स्टूडेंट्स को कि रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन ले लिए गए थे, ठीक है, कि एकेटी यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस से उन्होंने क्या है, स्टूडेंट का एडमिशन अपनी रैंकिंग दिखा करके ले लिया था, और यही चीज इस बार फिर से देखने को मिल रही है। तो एकेटी यूनिवर्सिटी साफ साफ बोल रही है कि परीक्षा फल के आधार पर हम लोगों ने किसी भी कॉलेज को कोई भी रेटिंग, है ना, कोई भी परीक्षा फल के आधार पर कोई भी रैंकिंग या फिर कोई भी रेटिंग प्रदान नहीं की है। अंत विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त संस्थान से अनुरोध है कि परीक्षा फल के संबंध में मीडिया कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए एक चीज है कि भाई अगर जो किसी कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो भैया वो रिजल्ट ही दिखा करके बच्चे का एडमिशन लेगा। मतलब कि इस चीज से एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि चलिए ये बात अच्छी है कि एकेटी यूनिवर्सिटी ने यह स्पष्ट किया इस नोटिस में, अगर जो मैं आपसे बोलूं जो पॉइंट अच्छा है वो क्या है कि एकेटी यूनिवर्सिटी ने घोषित कर दिया कि क्या, कि परीक्षा फल के आधार पर किसी भी कॉलेज को रैंकिंग नहीं मिली, यह अच्छी बात है। पर लेकिन अगर जो कोई कॉलेज अपने बच्चों का रिजल्ट दिखा करके अपना प्रचार प्रसार कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मानना है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। भाई देखिए फॉर एग्जांपल, अब हमारे बच्चों का रिजल्ट आया है तो हम लोग भी बच्चों का रिजल्ट शो करेंगे। ऐसे कॉलेज के बच्चों का अगर जो रिजल्ट अच्छा आता है तो वो तभी तो आगे आने वाले जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको अपने कॉलेज का रिजल्ट दिखा सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली यहां पर एकेटीयू क्या बोलना चाह रहा है कि भैया जी आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग दिखाइए, बच्चों को चाय पिलाइए, वहां पर उनको क्या है बिल्डिंग की चकाचौंध दिखा करके भ्रमित कीजिए, चाहे पढ़ाई होती हो ना होती हो, डजंट मैटर अबाउट दैट। बच्चा पूछे पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट था, ये नोटिस दिखा दीजिए कि एकेटी यूनिवर्सिटी ने भैया बोल दिया रिजल्ट नहीं दिखाने का वरना कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो ये वाला पॉइंट इन्होंने दिया है तो भैया इसको हम लोग बोलेंगे गलत है, ठीक है। कॉलेज वाले अगर जो गलत तरीके से अपनी रैंकिंग रन करवा रहे हैं वो भी गलत है, परंतु अगर जो कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आया है और वो कॉलेज वाले अपना रिजल्ट बच्चे को दिखा रहे हैं कि भाई देखिए हमारा रिजल्ट है पिछले सेमेस्टर का, पिछले साल ये रिजल्ट रहा था, इस साल और भी अच्छा आने के चांसेस है, आपको एडमिशन लेना है, तो आप क्या है हमारी पढ़ाई ऐसे होती है। ऑब्वियसली बात है बच्चे कॉल करके पूछते हैं सीधा, क्या पूछते हैं, हमारे हेल्प एंड सपोर्ट नंबर पर भी यही क्वेश्चन आता है कि आपका पिछले सेशन का रिजल्ट कैसा रहा, तो हम बोलते क्या कि भैया एकेडमी ने बोल दिया हम नहीं बता सकते, माफ कीजिएगा। एडमिशन लेने के लिए आप ऐप पर जाइए, ऐप पर आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, रिजल्ट कैसा भी आए कोई बात नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली चीज अच्छी है कि कोई भी एकेटी यूनिवर्सिटी से कोई भी रैंकिंग नहीं दी जा रही है, वो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इनको यहां पर ऐसा बोलना चाहिए था कि अगर जो भी छात्र एवं छात्रा क्या है कॉलेज को अच्छे से आंकलन करके तब क्या है सारी चीजें वो अपना एडमिशन ले, अदरवाइज एडमिशन ना ले। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों के एग्जाम आने वाले तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में ऐसे लगे रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार।
जय हिंद। और अपना फीडबैक चैट सेशन में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।